बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शाही नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। ये नाम उर्दू और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़ुबान है फ़ारसी, यानी इस नाम की इब्तदाई तारीख फ़ारसी ज़ुबान से निकलती है। मज़हब है इस्लाम, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया जाता है। जिन्स है लड़की, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल लड़कियों के लिए किया जाता है। शाही के मुख्तसर इंग्लिश मीनिंग है रॉयल, उर्दू मायनी है शाही, शहाना। शाही नाम को मुमकिन तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिन तीन ममालिक में किया जाता है उनमें सरफ़रिस्त है नेपाल, नंबर दो पर है बांग्लादेश और नंबर तीन पर है इंडिया। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले दिनों में शामिल हैं जुमा और सोमवार। नंबर चार को इस नाम के अफराद के लिए मुनासिब समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है और तांबा को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाली दातों में शुमार किया जाता है। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले रंगों में शामिल हैं नीला, बनफशी और काला, जबकि फरोजी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए मुनासिब समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है। इस नाम के अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि ये खुद को तन्हा महसूस करते हैं और लोगों के साथ घुल मिल जाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के लिए कोई भी नाम फाइनल करने से पहले अपने इमाम मस्जिद या किसी आलम दीन से मशवरा ज़रूर करें और इसके साथ साथ आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।